हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के इंटीग्रेशन हमने सोल्व भी कर लिए हैं। चलो आज की वीडियो में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ नए इंटीग्रेशंस। यहाँ पे देखो, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं पिछली वीडियो में, उन्हीं को ऐड करके यहाँ पे इसने लिख दिया है, तो उन्हीं को आपको यहाँ पे सोल्व करना है। वैसे तो आप खुद से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको i इक्वल टू मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स i इक्वल टू। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग भी करते हैं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होगा। चलो फिर भी कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम अब ये दोनों क्या बन गए, आपके पिछले क्वेश्चन बन गए, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉरी टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इनको और अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, फिर से ये माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन वन टी एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया है। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेन एक्स हमने डायरेक्टली कर दिया है यहाँ पे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पे माइनस कोट एक्स प्लस में यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट, तो क्या निकल के आया हमारा इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस में सी, ये हो गया है। अगर पिछले दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं तो इसको इजीली आप सोल्व कर सकते थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स टी एक्स। तो हम यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले तो आई के इक्वल में मान लेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स और डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं ऐसा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में। तो चेंज कैसे करेंगे इसको, तो अगर आपके पास नीचे कहीं पे भी वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स वन प्लस कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स अगर ऐसा आता है तो उसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इन टू में, देखो यहाँ पे इसके लिए रैशनलाइज करेंगे तो वन माइनस साइन एक्स ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस साइन एक्स। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के वन, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सेम रह जाएगा आपका। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इन टू वन माइनस साइन एक्स अपोन यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया इंटू डी एक्स, ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसको हम कोस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। तो ऊपर क्या चल रहा है, साइन एक्स एन इंटू वन माइनस साइन एक्स, और ये बन गया आपका कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। इसके बाद में देखिएगा, अभी भी कोई फॉर्मूला बनता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, ये तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपोन में नीचे क्या चल रहा है आपका, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इन दोनों को अब अलग अलग कर सकते हैं हम, तो अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपोन कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपोन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स,
ये हो गया अलग अलग कर लिया हमने, अब इनको इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर लेंगे और एक जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा टेन एक्स एंड वन अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा sec x माइनस, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाला पार्ट हमने अभी अभी किया ही था पिछले वीडियो में, तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली आपको पता है इसका इंटीग्रेशन आपका डायरेक्टली हो जाएगा, यानी कि sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है sec x का sec x हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको अभी ऐसे ही चलने दो, टेन एक्स इंटू sec x माइनस को इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करके डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया आपका टेन एक्स इंटू sec एक्स माइनस यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी एक्स ये बन गया है। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या हो जाएगा आपका sec x माइनस में sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan x प्लस वन का x प्लस में c क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी कि i की जो वैल्यू निकल करके यहाँ पे आई है ये निकल करके आई है। तो ये जो फंक्शन था आपका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बाकी भी इसी तरीके के क्वेश्चंस के हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर पे, बिना प्रैक्टिस अगर आप ये क्वेश्चन निकालना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन में बेसिक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें दिक्कत नहीं आए। अगर आपने ये बेसिक नहीं पढ़ा तो आप नाइन्थ चैप्टर तो कर ही नहीं पाएंगे, उसके अलावा टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ, क्योंकि ये चारों चैप्टर जो है वो एक पैक है इंटीग्रेशन का, सभी में हमें इंटीग्रेशन पढ़ना होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिए ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए क्या हो जाएं, ईजी हो जाएं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, ये है इंटीग्रेशन आपको करना है 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलो करते हैं हम इसको सोल्व। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, आई जी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स है तो इसके लिए हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, फिर माइनस कोस एक्स का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो नेक्स्ट स्टेप में वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इधर देखते हैं हम, ये आई इक्वल टू चल रहा है इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये क्या हो गया कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन को क्या कर लेंगे हम अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में ये कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट एक्स इंटू वन अपॉन साइन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डी एक्स साथ में। अब इनको देखो ये क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका माइनस कोट एक्स का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं माइनस कोट एक्स प्लस यहाँ पे देखो कोटेक कोसेक एक्स किसका इंटीग्रेशन है ये है आपका कोसेक एक्स का और वो भी माइनस वाला, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो जाएगा सी हो जाए, तो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास ये निकल के आ गया, जो कि आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले फंक्शंस को आप अलग अलग करेंगे और फिर डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसमें लग जाएंगे, प्लस में आप सी ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन करेंगे आप घर पे, ये है आपका होमवर्क। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी आपको घर पे ही करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप घर पे ट्राई करेंगे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें आप स्क्वायर को खोलेंगे और उसके बाद में x के पावर n वाले फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आज के रहेंगे आपके होमवर्क के लिए। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21 जो मैं एक बार बता देता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लोग यहां पे x है और यहां पे x है और x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है ये जो वैल्यू है आपने 11th क्लास में पढ़ी थी लॉगरिथमिक लॉगरिथम में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या बन गया आपका 1 into dx, और 1 का इंटीग्रेशन आपको निकालना आता है। 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस में c, यानी कि i इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा अगर इसको आप i मानते हो तो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजीली हो जाएगा। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं स्टूडेंट्स उनके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे।